क्या आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो एक ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसके अंदर शोल्डर की ओवरहेड एक्टिविटी ज़्यादा होती है? फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, बॉलिंग, और या आप जिम जाते हैं जिसकी वजह से आपके कंधे में दर्द रहता है, तो ये शोल्डर इम्पिंजमेंट आपको हो सकता है। तो शोल्डर इम्पिंजमेंट होता क्यों है? इसमें क्या होता है, जब आपके कंधे की आगे वाली मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और पीछे वाली मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके शोल्डर के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है और इम्पिंजमेंट आने लगता है, और इसका टिपिकल साइन होता है आपके एंटीरियर पार्ट पे, आगे वाली साइड पे पेन आना जब भी आप कोई ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं। तो अब इसको ठीक कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आज आपको तीन एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर पे भी कर सकते हैं। सो पहली एक्सरसाइज हमारी होती है शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, जिसके लिए आपको एक थेराबेंड या फिर अगर आप जिम जाते हैं तो जो रोप वाली मशीन होती है उसको अपने एल्बो लेवल पे लाके आपको करनी है। तो आप कैसे करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन, आपने थेराबेंड को कहीं भी बांध देना है ऐसे, एंड आपकी एल्बो हमेशा टक इन रहेगी। जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो कोशिश करना है कि आपकी एल्बो बाहर ना जाए, ठीक है? सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म। तो सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी रोइंग, उसमें क्या करना है आपको, थेराबेंड को अगेन ऐसे ही आप कहीं हुक करेंगे, एक ग्रिप बनाएंगे एंड पुल। जब आप पुल करेंगे तो कोशिश कीजिए कि आप अपने ब्लेड्स को पीछे स्क्वीज करेंगे लाइक दिस। सो माय थर्ड एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं टी। तो इसमें क्या करना है, आपको बेड पे उल्टा लेटना है, आर्म्स 90 डिग्री पे होनी चाहिए, थम्स अप होना चाहिए एंड डू लाइक दिस, होल्ड इट एंड बैक अगेन, स्क्वीज योर ब्लेड्स। तो कैसे करेंगे, अगर ये तीनों एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका कंधे का दर्द नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली यू कैन विजिट फिजियो एक्टिव।